हेलो क्लास सेवेंथ, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर। अब उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 4.2। तो आज हम 4.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, पहले का ए है 22/7। क्या बताया था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो या डिवाइड कर दो 22 को 7 से 22 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21 21/7 हो जाएगा, 3 होल नंबर/7। अभी जो होल पार्ट है वो ये बताता है कि ये नंबर किसके किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर 3 है तो नंबर लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव साइड में जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर देखो ये 3 आया, मतलब ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, -1 -2 लिख दिया हमने इधर। और ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 1/7, मीन्स 3 और 4 के बीच में कितने पार्ट होंगे, 7 पार्ट होंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हो जाएगा यहाँ पर 4। अब इसके बीच में जो पार्ट्स होंगे, एक्चुअली इक्वल पार्ट्स होने चाहिए बट आपको दिखे इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया। तो यहाँ पर ये 0 पार्ट हुआ, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट वन इज 7। ये जो 4 वाली लाइन है ये 7 पार्ट हुआ। अब मैं रिप्रेजेंट क्या करना है, 1/7। यहाँ पे ये हुआ 1/7, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 22/7 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये जो हुआ ये पहला पॉइंट जो है 3 होल नंबर/7 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। दूसरा है 1.5, बी क्वेश्चन इज 1.5। अब चाहो तो इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दो या फिर इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शनल पार्ट में। अगर कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा 15/10 और ये हो जाएगा 1 होल नंबर 5/10 और ये 5/10 हो जाएगा 1 होल नंबर 1/2। ओके, मीन्स यहाँ से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 5 0 5 0, तो यहाँ पे 1 होल नंबर 1/2 आ जाएगा। तो चाहे तो इस तरह से कन्वर्ट करके करो या फिर डायरेक्टली डेसिमल में करो। तो यही मेथड देख लो, ये 0 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर -1 और -2। अब यहाँ पर 1.5 है ना, 1.5 इज 1.5, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लाइन के बीच में करेगा, 1 और 2 के बीच में लाइन करेगा। तो यहाँ पर पार्ट्स कितने करने हैं, इसके 2 पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पर ये 1 पार्ट हुआ और ये दूसरा पार्ट हो गया और ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है, 1.5 या फिर 15/10। क्लियर है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इसी तरह माइनस अगर होता, जैसे -1/1.5 है ना, तो -1.5 के लिए सेम प्रोसेस हम इस तरह करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर -1.5। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव पार्ट किया है उसी तरह से नेगेटिव पार्ट भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है आपका -1.5, तो इसी तरह से कर रहे हैं। Now see the next, which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs? Actually compare करना है, which of the two rational numbers is greater? तो देखो क्या होगा, इसमें टू रैशनल नंबर ग्रेटर मीन्स इसको कंपेयर करना है हमको। सेकंड क्वेश्चन है, अब पहला है 11/13 और
माइनस 17 अपॉन 19। एक बात याद रख लो, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो ना एलसीएम निकालने की जरूरत है ना ही कुछ और ऑपरेशन करने की। डायरेक्टली यू कैन राइट दैट पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, तो यहाँ पर 13 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बी में देखो -5/2 और 0, तो इसमें -5/2 जो है वो नेगेटिव नंबर है और 0 जो है वो न्यूट्रल नंबर है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है, तो 0 जो है वो ग्रेटर होगा -5/2 से। ठीक है, और 3/-3/4 और 3/4 में कौन सा बड़ा होगा, जो पॉजिटिव होगा 3/4 बड़ा होगा। तो इस तरह से आपको सेकंड कर लेना है। थर्ड वन कंपेयर करना है थर्ड को, तो जहां नेगेटिव पॉजिटिव की बात आ रही है वो तो ठीक है। देखो पहले में तो जो पॉजिटिव है वो बड़ा होगा, बट बी में देखो क्या होगा, बी में हमें क्या करना है, 3/4 और 5/6 है ना, 3/4 है 5/6। अब इसमें हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 24। ठीक है, 24 है, तो 24 जब एलसीएम है तो फिर अपॉन 4 का डिनोमिनेटर 24 करने के लिए क्या करेंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 3 × 6 और 4 × 6 हो जाएगा 18/24। उसी तरह 5/6 में क्या करेंगे, 5 × 6 × 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20/24 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब 18 and 20 में कौन सा ग्रेटर है, डेफिनेटली 20 ग्रेटर है, तो 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है 5/6 को, सो 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें नेगेटिव है, देखो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, ये -4/3 है और ये क्या है अगला -8/7, तो ये जो नंबर है 4/3 माइनस में, इसको -4/3 भी लिख सकते हैं हम, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव, इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है, एक्चुअली ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख के कंपेयर करना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है वो स्मॉलर होता है, जैसे यहाँ पर क्या होगा 21 एलसीएम होगा ना, 21 एलसीएम होगा तो 4 से लिख जा 28 - 28 आएगा एंड 8 × 3 = 24 - 24, तो यहाँ पर ये -24 ग्रेटर होगा, -28 स्मॉलर होगा, याद रखना। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर स्मॉलर होते हैं, जो नंबर लाइन पर कहाँ होते हैं, नंबर लाइन पर राइट साइड में होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं अपने लेफ्ट साइड के नंबर से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन, फोर्थ क्या कह रहा है, अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग। अब असेंडिंग का मतलब फिर से वही काम करना है, इनको ग्रेटर या स्मॉलर डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पर नंबर्स कौन कौन से हैं, -3/10 है, 4th है ना, 5th है, 4th है। ठीक है, तो 4th में अब -3/10 हुआ पहला नंबर, दूसरा है 4/-15, थर्ड वन इज -13/20, फोर्थ वन इज 19/-30। ओके, अब इसमें क्या करना है, देखो ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये दोनों का नेगेटिव भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर एक में भी नेगेटिव साइन लगा है तो फ्रैक्शन क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर ये 10, 15, 20 और 30 का क्या होगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 and 30 विल बी व्हाट, 60 हो जाएगा। ठीक है,
60 जब हो जाएगा तो हमें सबका डिनोमिनेटर क्या करना है 60 में कन्वर्ट करना है। तो माइनस 3 अपॉन 10 कौन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18 अपॉन 60, ठीक है। दूसरा है हमारा 4y-15, तो इसमें हम क्या करेंगे 15 है माइनस इनटू 4 ये हो जाएगा 16 अपॉन 60 और माइनस कौन यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और अगला क्या है, अगला है हमारा माइनस 13 अपॉन 20, तो माइनस 13 अपॉन 20 में क्या होगा 20 का मल्टीप्लाई 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 39 अपॉन 16 माइनस में। और क्या है अगला हमारा 19 अपॉन माइनस 13, ये हो जाएगा 19 इंटू 2 अपॉन 13 इंटू 2 38 अपॉन 16। अब यहां पर हम माइनस साइन इन बिटवीन या फिर ऊपर लगा सकते हैं। अब यहां पर देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 18 है यहां पर माइनस 18 होगा ना, माइनस 18 है लिखता हूं पहले इधर, उसके बाद क्या आ गया माइनस 16 आ गया, फिर माइनस 39 आ गया और फिर माइनस 38 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ इसमें असेंडिंग में लिखना है ना छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा, सबसे छोटा है यहां पर माइनस 39। न्यूमरेटर की बात करिए पहले, न्यूमरेटर को हम देखते हैं माइनस 39 जो है वो सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा जो है वो है माइनस 38, फिर इससे भी बड़ा है माइनस 18 और इससे भी बड़ा है माइनस 16। तो सबसे बड़ा यहां पर कौन सा हुआ, माइनस 16 हुआ और सबसे छोटा माइनस 39 हुआ, ठीक है। अब माइनस 39 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 13 अपॉन 20 को, और 13 ये क्या है माइनस 13 अपॉन 20, दिस इज लेसर देन 38, 19 अपॉन माइनस 13, माइनस 18 मींस माइनस 3 अपॉन 10 और माइनस 16 मींस दिस इज 4 अपॉन माइनस 15। अब ये छोटे से बड़े क्रम में आ गया है ना, ऑर्डर हो गया इसका, सीक्वेंस बन गया छोटे से बड़ा। अब यहां पर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पूरा लिखना असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, माइनस 13 अपॉन 20 कॉमा 19 अपॉन माइनस 30 कॉमा माइनस 3 अपॉन 10 कॉमा 4 अपॉन माइनस 15, ओके ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, बड़े से छोटा लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, अब तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और बाकी का जो बचेगा, बाकी का जो बचा हुआ अभी क्वेश्चन, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।